नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 9 पॉइंट की हेल्प से दिवाली पर भगवान गणेश जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ही आसान होने वाला दोस्तों, बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, पहले आप 9 पॉइंट इस तरह लगा लीजिएगा। 9 पॉइंट लगाने के बाद आपको पहले वाले पॉइंट से इधर आप ऐसे हाफ सर्किल बनाइएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा, यहाँ तक कर दीजिएगा। फिर ऊपर वाले सिरे को आपको डबल करना होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे करिए, फिर इधर डबल हो जाएगा। छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। हम गारंटी लेते हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको भगवान गणेश जी का चित्र बनाना आ जाएगा। अब आपको ऊपर के ही साइड में छोटा सा हाफ सर्किल, इधर आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद छोटे छोटे हाफ सर्किल ऊपर के साइड में भी आप इस तरह ऐसे रिपीट करते जाइएगा। और आज हम आपको भगवान गणेश जी को पेंसिल की हेल्प से शेड भी देना सिखाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको इधर से एक हाफ सर्किल बनाना होगा, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ मिलाइएगा। मिलाने के बाद एक छोटा सा हाफ सर्किल इधर, और कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखिएगा दोस्तों। आगे की तरफ यहाँ पे एक लिप्स बनाइएगा, ये हो गया हमारा एक बड़ा सा लिप्स। लिप्स बनाने के बाद एक छोटा सा आपको इधर भी ऐसे कुछ पत्तियाँ बनाना होगा। इधर एक लिप्स बनाइएगा, एक लिप्स आप इधर ऐसे बना देंगे, छोटा सा सर्किल इस साइड भी बनाइएगा। फिर आपको इधर से ऐसे मिलाना होगा, यहाँ से आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, ये हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अब ऊपर के ही साइड में आपको एक छोटा सा और हाफ सर्किल बनाना होगा, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा बनाना है। यहाँ से ऐसे करिएगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को मिलाना होगा। यहाँ से भी ऐसे इस पॉइंट को मिला दीजिएगा दोस्तों। मिलाने के बाद इधर से अंदर की तरफ करिएगा, यहाँ से भी आप ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे। एक छोटी सी लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आपको इस साइड ऐसे बढ़ाना होगा। लाइन को बढ़ाने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको बनाना है भगवान गणेश जी की एक सूंड बनानी होगी। यहाँ से ऐसे करिएगा, नीचे की तरफ ऐसे घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद आपको यहाँ से डबल करना होगा, इधर ऐसे ले जाइएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, फिर इधर से घुमाते हुए आप इधर ले जाएंगे। छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए इसको ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको बनाना है भगवान गणेश जी का ईयर। इधर ऐसे करिएगा, हल्का सा आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से अंदर की तरफ करिए, फिर अंदर बाहर की तरफ करते हुए इस साइड आप ऐसे मिलाइएगा। सेम आप इस साइड भी रिपीट कर देंगे, इधर ऐसे ले जाएंगे, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए। देखिए दोस्तों कितना आसान है, यहाँ पर आप ऐसे मिलाइएगा। जस्ट नीचे के साइड में आपको भगवान गणेश जी का तीर्थ बनाना होगा। तीर्थ बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब आपको इधर ऐसे ले जाना होगा, और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डबल भी करना होगा, ये हो गया हमारा डबल। इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन इधर, छोटी सी लाइन आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। इस साइड भी आप ऐसे सेम रिपीट करिएगा दोस्तों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको भगवान गणेश जी का यहाँ पर बनाना है आई। एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम डिस्टेंस पे आप ऐसे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड हो गया हमारा। अब देखिएगा, अब आपको बनाना है आई। आई बनाने के लिए यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, फिर इधर आप ऐसे ले जाएंगे। सेम आप इस साइड भी रिपीट करिएगा, इधर से आप हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ आप इधर ऐसे मिलाइएगा, छोटा सा सर्किल बना दीजिए। इस साइड भी आप ऐसे सर्किल बनाकर इसको डार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे सर्किल बनाकर डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद अब आपको बनाना है आईब्रो, यहाँ पर भी ऐसे डार्क कर दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे दोस्तों, इधर ले जाइए, इस साइड आप ऐसे डार्क कर देंगे। डार्क हो जाने के बाद छोटा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, हल्की सी लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब आपको इस पॉइंट का यूज करते हुए यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना होगा। लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इधर से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। एक आपको भगवान शंकर जी का यहाँ पे त्रिशूल बनाना होगा, इधर ऐसे करिएगा, पतला सा थोड़ा यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे, इसको डार्क कर देंगे। डार्क हो जाने के बाद इधर ऊपर के साइड में आपको डबल करना होगा, इस साइड भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, इधर ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा। फिर आपको हाफ सर्किल बनाना है दोस्तों, एक हाफ सर्किल और बना दीजिएगा। अगर स्पेस यहाँ पर है तो आप और भी बना सकते हैं।
इधर थ्री नंबर लिखिए, नीचे के साइड में भी उल्टा थ्री नंबर लिखिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, फिर ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे, इधर से भी आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा छोटा सा यू लेटर, इधर भी आप ऐसे बना दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम, और यहाँ पर आप बीच में हैप्पी दिवाली ऐसे लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम पेंसिल की हेल्प से शेड भी दे देते हैं और यहाँ पर हैप्पी दिवाली भी लिख देते हैं।